गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज। एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से आपके सामने लाइव आ चुके हैं और जो लाइव आए हैं यही पेंटिंग को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, इसमें एक काम हमारा बचा हुआ है, उसको हम ये पहले करते हैं और आप लोग आ गए हैं तो एक बार वीडियो भी शेयर कर ही दीजिए। ओके, वीडियो शेयर कर ही दीजिए। सुमन मट्टा जी वेलकम। तो आज हम यहां पे इस पॉट का ढक्कन बनाएंगे, ये पॉट है ना, इसका ढक्कन बनाएंगे। ओके, मोना यरला जी वेलकम। हम लेट इसलिए भी हो गए क्योंकि हमारा एक 9 बजे से हमारा एक क्लास है तंजौर पेंटिंग का। ओके, तो उसको भी हमें एक करना है, जो भी हम आपको दिखाए हैं ना। नीलम अग्रवाल जी वेलकम। सुमन मट्टा जी ने हमें स्टार दिए हैं, थैंक यू। हेटल पटेल जी वेलकम। तो जल्दी जल्दी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। यहाँ पर डब्बा दिख रहा है ना, यहाँ पे अब ये चीज हम बनाएंगे, पॉट बनाएंगे। ओके, मंजू अग्रवाल जी वेलकम, अनु माथुर जी वेलकम, नीलू गहलोत जी वेलकम, अनु चौधरी। अच्छा, अनु जी दो दो हैं यहाँ पे, एक माथुर है और एक चौधरी हैं। ओके ओके, वेलकम शीला चौधरी, अनु चौधरी, शीला चौधरी, एक ही ब्यादर के हैं चौधरी। नीला पटेल जी वेलकम। तो चलिए अब हम इनका बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें गर्म पानी पीना पड़ेगा क्योंकि खांसी आ रही है हमको ज्यादा। दिल्ली में ठंड है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप लोग भी अगर दिल्ली के हैं तो थोड़ा सा होशियारी से बाहर निकलिएगा। पानी दिया जाइए। धोनी जी वेलकम। कटोरा पीतल का, चांदी का या मिट्टी का? मिट्टी का। ओके, वैसे वो मिट्टी का है ना, ये मिट्टी का है तो हमें मिट्टी का ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना ऐसे। बताइए
बताइए वैसे बेस्ट कौन सा होगा, आप ही बताइए, आप ही बताइए कि बेस्ट कौन सा होगा, बता दीजिए, हम वही बना देंगे, बताइए। पेंट का नहीं, वो तो हम ये सब पेंटिंग पेंट का ही बना रहे हैं, है ना? बट दिखने में कैसा लगे ये बताइए। नहीं बताइएगा, कोई बात नहीं, चलिए हम अब लगाना शुरू करते हैं। पहले हम चेक करते हैं क्या ये गीला है अभी। ओके, तो हम लिख लेते हैं बॉन्ड सेना पहले। ओके, बॉन्ड सेना लेकर के हम पहले, गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मटका मिट्टी वाला अच्छा होना चाहिए। थोड़ा दूर रखे सर, मिट्टी का। हाँ मिट्टी का बनाने के लिए अब हम आपको बता रहे हैं, देखेंगे कि ये हमारा ये गीला है। ओके ओके, अगर आपके साथ भी अगर ऐसी समस्या आती है ना, और ऊपर से कोई चीज अगर आपको बनाना है, तो आप अब यहां पे हमें डार्क कलर से बनाना है, मिट्टी वाला रंग का। ओके, लाल वाला। ओके, तो हम वो लाल वाला पेंट हम यहां पे अभी नहीं लगाएंगे। वजह ये है वो, क्योंकि हम यहां पे ये फ्री हैंड हम ड्राइंग बना रहे हैं। ओके, और आपको पता है कि हम जब हम ये ड्राइंग बनाते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक बार में ही परफेक्ट आ जाए या उससे वही साइज का आए जो हम चाहते हैं। ओके, तो इसलिए हम ये जो ये रंग है ना, ये रंग इसी से रिलेटिव हम ये रंग उठा रहे हैं। ओके, और ये हम इसका पहले आउटलाइन हम लेंगे, ठीक है? ये उससे क्या होगा कि जो इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो आलतू फालतू आ रहा है ना, हम इसमें और इस कलर को मिक्स करके आपस में मर्ज कर देंगे, तो बैलेंस में हो जाएगा। ओके, उसके बाद में हमें जो रियल कलर इसमें लगाना है वो हम लगाएंगे। ओके, तो हमें बनाना है कटोरी, तो इसके ढक्कन के बराबर का हमको ये बनाना है। तो ये वाला कितना भरा ये हम देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ना, इसका हम ये हम साइज माप रहे हैं, तो लगभग मैं यहां से यहाँ आएगा। ओके, यहाँ ये आएगा, तो हम इसको ये अंडा का हम वो लेते हैं। ओके, अभी भी परफेक्ट नहीं आया है, अब आएगा ये, क्योंकि ये गीला है। अब हम यहां से अगर ये लेते हैं ऐसे, वैसे एक बार में ये परफेक्ट हमारा आ गया है। ओके, एक बार में आ गया है। अब ये लाइन हमें ही दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये हमें ही दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे डार्क पेंट हम लगा सकते हैं। ओके, डार्क पेंट हम लगा सकते हैं वो, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट आ गया है। लेकिन
डार्क ये करने से पहले आ गया। अब हम लेते हैं बर्न सेना, ओके बर्न सेना वाला ये ना, हाँ बर्न सेना और येलो दोनों को मिक्स करके हम लगाएंगे, ठीक है। एक बार हम आपके सामने कलर बना के भी हम दिखा देंगे। गीले गीले में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखेंगे कि ये हमारा है बर्न सेना, ओके, और ये है हमारा येलो, ये मैंने लगा दिया इस कलर के लिए। बट ये हम कटोरी बना रहे हैं ना, ये अभी मेरा ये फाइनल नहीं होगा। वजह ये है क्योंकि ये गीला है और वैसे भी डार्क पेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो एक बार में ऐसा नहीं कि फाइनल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब डार्क वाला लाइन अब हम लेते हैं। ऑलरेडी हमारा लाइन बना हुआ है ना, तो अब इसमें गलती होने का चांसेस नहीं है क्योंकि हमारा नीचे का लाइन एक बना हुआ है, दिख रहा है। मनिंदर मोना जी वेलकम। यहाँ पे रंग लगा देते हैं, नीचे से पेंट हम मिटा नहीं रहे हैं, हटा नहीं रहे, ओके। उसकी वजह ये है क्योंकि हमें दो बार में इसको करना ही है, तो हटाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये कटोरी हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब बताइए कि ये कटोरी के लिए हमने एक दो क्लास हम इसमें ये। आपको याद होगा कि मिट्टी वाला कटोरी ढक्कन ये कुछ ऐसा ही होता था, या होता है, होता था नहीं, होता है। ज्योति सिंह राजपूत वेलकम। ये बीच में पता नहीं ये कहाँ चली गई थी देवी जी, अब ये लाइव आ रही हैं। अब हमारा स्कैट पॉइंट हरा भरा दिखाई दे रहा है कि अब इसमें लाइव चल रहा है। ये हमने इसमें ये लगाएंगे, ठीक है। बट ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग बन चुका है, ओके। थोड़ा सा आप लोग को नजदीक से दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा से देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, ओके, बट ये टेढ़ा नहीं है, ये हमने ये कैमरा ही मैंने टेढ़ा किया है, इसलिए आपको टेढ़ा दिख रहा है, बट ये टेढ़ा नहीं है, ओके। अब इसको प्रॉपर ढंग से हमको बनाना है, तब हम बर्न टम्बर लेकर के, ओके ना, हम यहाँ पे इधर से इसकी शेडिंग आ रही है ना, इधर से, ओके, तो यहाँ पे आएगा डार्क, ओके, यहाँ पे डार्क आएगा, हल्का हल्का ही हम इसमें पेंट लगाएंगे। वजह ये क्योंकि ये पेंट गीला है नीचे वाला,
बट आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट में तगड़ा वाला काम है। ओके, आप लोग के लिए तो हम बनाने के लिए हमने आगे आ गए हैं ये, लेकिन रियलिस्टिक पोर्ट बनाने के लिए। अच्छा, मौसम की जानकारी के लिए मौसम विभाग गई थी। हाँ, और आपको बता रहे हैं कि ज्योतिष सिंह के साथ में एक ऐसी बातें हैं, ज्यादा डिटेल में हम आपको बताएंगे नहीं, इनके साथ में एक अद्भुत बात है। अद्भुत बात का मतलब यह कि मौसम जैसे बदलने वाला होता है ना, इनको इनको पहले ही पता चल जाता है। ओके, और इनके साथ में ऐसी ऐसी ये कोई दिक्कत आने लगती है ना, तो इनको पता चल जाता है कि मौसम बदलने वाला है ना। जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस, और वो हर इंसान के साथ में होता है। ओके, हर इंसान के साथ में होता है सिक्स सेंस, कि उसको आने वाले टाइम के बारे में जानकारी मिल जाता है कि ये होने वाला है उसके साथ में। ओके, तो इनके साथ में ये बातें हैं। अब यहां पे हम लेंगे लाइट। सर, मेरे साथ भी बहुत होता है। ओके ओके, और हमारे साथ भी होता है। ओके, हमारे साथ में भी ये बातें हैं कि हमको आगे क्या होने वाला है इसकी जानकारी हमें हो जाती है। अच्छा, आपके साथ भी होता है। हाँ, तो यहां पे तो हर कोई जानकार लोग ही बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ये बर्न सेना में व्हाइट मिक्स करके हम लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये गीला है ना, तो ये थोड़ा सा ठीक से रंग बैठ नहीं पा रहा है। अग्रिमा जी कहाँ है? अग्रिमा वेलकम, पुष्पा जी, सुनंदा जी वेलकम। जो नए नए जुड़े हैं कृपया करके एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो गई है। ओके, तो यहां पे डार्क आएगा, यहां पे लाइट आएगा, और यहां पे मिक्स हो जाएगा। ये रियलिस्टिक वर्क आपको जब हम ये फाइनल बनाएंगे ना कटोरी को, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम बस वैसे ही लगा रहे हैं, अब यहां भी डार्क आएगा। यहां भी हम डार्क लगा रहे हैं। वंदना जी भी आ गई हैं। ये देखिए, अब ये इधर नीचे में जो पेंट लगा हुआ है ना, वो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, वो मिक्स हो जा रहा है इसके साथ में। तो अभी हम इसको मिक्स होने देते हैं, इसके ऊपर में अभी हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, बस वो कलर लगा के हमें छोड़ देना है। ओके, जरूर जरूर जरूर। आपका स्कूल तो हमारे पास में ही है ना ज्योति जी, जहां पे हम पार्क में टहलने के लिए जाते हैं वही आपका स्कूल है। ये देखिए, अभी ये तो बना है, बट ये कटोरी नहीं लग रहा है, अभी ये कटोरी लग नहीं रहा है। सर, कलर को ऑयल में मिक्स करके लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम ये देखेंगे कि इसमें कलर उठा के हम डायरेक्ट लगा रहे हैं।
इसमें कहीं भी ऑयल नहीं है। ओके हाँ जी हाँ जी, अरे काल्पनिक काल्पनिक ही बना रहे हैं, बट ये गीला है ना। तो काल्पनिक का मतलब ये है कि देखिए ये कटोरी है ना, इससे रिलेटिव है, इसी रंग का हम बनाएंगे। ओके इसी रंग का हम ये कटोरी बनाएंगे और अद्भुत बनेगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये अभी ये गीला है, जो बैकग्राउंड है ना वो गीला है, वो मिक्स हो जा रहा है, तो हम इसको अभी छोड़ दे जाते हैं ऐसे ही। ओके अब इसमें कुछ काम नहीं करते हैं। वंदना जी वेलकम। व्हाट आर प्लेस इन द बाउल, इसमें हम बाउल में माखन हम लगा देंगे हल्का सा। ओके अब ये तो हमारा ये बन चुका है, बट ये फाइनल नहीं है। ओके ये जब बनेगा ना तो अद्भुत लगेगा, लेकिन अभी भी ये अद्भुत लगेगा। ओके अद्भुत कैसे लगेगा, अब हम इसकी ये शेडिंग देने वाले हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इसकी ये शेडिंग है ना, यहाँ पे अभी हम देंगे, तब जाके ये अच्छा लगेगा। ओके तब जाके ये और अच्छा लगेगा। वो गीला है इसलिए हम इसकी ये शेडिंग अभी दे देंगे तो अच्छा लगेगा। तो अब हम देते हैं इसकी शेडिंग, ठीक है। तो ये जो कलर जो रंग बनाए थे बड़ी जल्दी। खुशबू अग्रवाल जी वेलकम। ये देखिए अब यहां पे हम ले करके रंग को हम लगा रहे हैं। ओके यहां पे हम डार्क को इसमें अभी हम फाइनल हम कर सकते हैं, ये वाला एरिया में इसके जो शेडिंग वाला है ना ये फाइनल हम कर सकते हैं, ये अभी फाइनल नहीं होगा। ओके वो क्योंकि ये गीला है तो इसको अभी हम कर सकते हैं, तो इसको हम अभी करते हैं, ठीक है। आरती जी मैं इसमें ऑयल कलर इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ओके यहां पर लाइट आ जाएगा। ठीक है ना अब थोड़ा सा डार्क लेते हैं और एक और कृष्णा देखिए सेम। ओके सेम ये कृष्णा जी हैं, ये तेंजोर में है, सेम डिजाइन है। ओके अब इसमें कलरिंग करना बाकी है, इसकी पेड क्लासेज है। ओके इसमें वाटर कलर का काम होगा और पोस्टर कलर का, और ये हमारा ऑयल कलर का देखिए काम है ना अद्भुत। ओके तो इसमें अब हम ये हम अपना नामो निशान यहां पर लगा देते हैं ना, ये जरूरी है क्यों। अब हम यहां पे डार्क पेंट लगा रहे हैं। इस मंथ में हमारा ये कृष्ण जी ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये तंजोर वाला हाँ इम्बोज है, बट वो ज्यादा इम्बोज वो नहीं है, जो बेसिक जो इम्बोज होता है ना वही है, वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट है अच्छा काम किया हुआ है। यहां पे डार्क और हम लगाएंगे
हमारा बांसुरी वाला जिनको क्लास ज्वाइन करना है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 20 तारीख है, ओके ना। उसके बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, हम इसको ऊपर की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है, हम इसको यहां पे ऐसे यहां से, ओके, हाँ परमिला जी आपने तो किया हुआ है। अच्छा दो, अच्छा एक ही परमिला है, हमें लगा कि दो परमिला जी हैं यहाँ पे। वर्षा जैन जी वेलकम, अब इसको मिक्स करते हैं। ये मैं आज करूंगी, ओके। एक बार आप लोग को बांसुरी वाला ये फोटो दिखाए क्या, फोटो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा हमारे बांसुरी वाले। इसको मिक्स हम करते हैं, इसको भी हम अच्छा। पूर्णिमा जी बोल रहे हैं कि बांसुरी वाला हमको फोटो दिखाइए, ढूंढना है, अभी रुकिए, अभी ढूंढ के हमको देंगे बांसुरी वाला तो हम आपको दिखा पाएंगे। हमारे हमारे पास में पता है क्या है कि बस हमको बोलने की देरी है, वो सामान हमको मिल जाता है फटाफट, ओके। यहाँ पे हमारे स्टाफ लोग बैठे रहते हैं, बोलने की देरी है। ये देखिए उन्होंने ढूंढ दिया, ये देखिए ये जो बांसुरी है ना, ये हम इम्बोज में आपको बनवाएंगे, ओके। उभरा हुआ रहेगा, उभरा हुआ ये रहेगा, ये कम से कम इतना ये उभरा हुआ रहेगा, ओके, इतना उभरा हुआ रहेगा, लगभग मैं आधा इंच के करीब, ओके। अब बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो ज्यादा भी उभार सकते हैं। और इसमें ये गोल फल का काम है, फिर इसके अंदर में देखेंगे बारीक बारीक काम है ना, और उसके बाद देखेंगे कि ये जो मोर का पंख है रियलिस्टिक है, रियल में लग रहा है। इसमें भी ये जरकन उरकन ये सब ये गोल्ड लगे हुए है, और बड़ी बात यह है इसकी जो मिक्सिंग का है ना, ये आपको इस क्लास में सीखने के लिए मिलेगा। ये ऑयल कलर से बना हुआ है, हम इसको मिक्स कर दिए, ओके। हाँ जी ये कैनवस पे बनेगा, ओके, ये कैनवस पे बनाएंगे, चाहे वो कैनवस आपका रोल वाला हो, चाहे वो बोर्ड के ऊपर में लगाया गया हो। ये देखिए हमने इसको मिक्स करके ये बना दिया। हाँ जी हाँ जी, अरे चिंता मत कीजिए नीलू जी, अरे जब हम है तो क्या गम है, ओके, हम है तो क्या गम है। हम आपको चिपकाने की विधि भी आपको बताएंगे कि कैनवस के ऊपर में कितने बेहतरीन तरीके से चिपकाया जाएगा, और इतना हम आपको बोलेंगे कि इतना सुंदर जो बांसुरी जो बना हुआ है ना, ये आप लोग भी बनाएंगे, और 100% आप लोग बनाएंगे वो, क्योंकि इसको बनाने का तरीका हम इतना इजी तरीके से आपको बताएंगे, ओके सर। ये क्ले चिपक जाता है क्या कैनवस पर? अरे नीलू जी आप टेंशन काहे लेते हैं, ओके, हम चिपकवाएंगे ना, आप ही बोलते हैं ना कि ये सर आपने आर्ट में ये PhD किए हुए हैं, आप ही बोलते हैं ना, तो ये PhD वाला बंदा फिर कब काम आएगा बताइए।
और ऐसा चिपकेगा कि निकलेगा नहीं, और भली है। अच्छा आपको भी ऐड कर दे, ओके 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 ओके, आप भी ऐड हो जाइए। ये है कि हमने ये मिक्स किया है ये, लेकिन अभी इसमें दिक्कत ये आई है, पता है क्या, देखेंगे कि ये जो डार्क है ना, ये डार्क, ये इसके मुकाबले ये ज्यादा डार्क नहीं है। वजह ये है वो, क्योंकि ये पेंट हमारा गीला है, जब हम इसके ऊपर में हम डार्क पेंट हम लगा रहे हैं ना, तो ये पेंट और डार्क पेंट मिक्स होकर लाइट हो जा रहा है। तो इसको अभी हम इसको यहीं पे एनफ करते हैं, ठीक है। जब ये सूख जाएगा ये और यहां अभी हम डार्क पेंट लगा के इसको उभार दे देंगे, ओके। तो अब हम इसमें ये कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम इधर करते हैं, ठीक है। अनसुईया अग्रवाल जी वेलकम। ना तो चिंता करने वाली बात नहीं है, जब हम है तो क्या गम है। और आपको पता ही है कि हम आपको जो टेक्निक बताते हैं बढ़िया होता है ना, तो घबराने वाला बात नहीं है। और ये हमारा ग्रुप भी है, एसके आर्ट पॉइंट और इमेजिंग आर्ट पॉइंट। इमेजिंग आर्ट पॉइंट में भी बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। हमारा जो ग्रुप है ना, वो काफी स्पीडली ग्रो कर रहा है, है ना। तो जब ग्रो कर रहा है अब हम आते हैं इनके जो फूल गुलाब का है ना, फूल गुलाब का, लेकिन ये गुलाब नहीं है, ये है कमल वाला फूल है, ये लोटस। तो इसके लिए हम पिंक कलर लेते हैं और यहां पे हम लगाते हैं लोटस। हाँ जी, ये हमने सूखा सूखा यहां पे हम ये पहले हम लगा देते हैं, एक मिनट, सूखा ही लगाना है तो थोड़ा सा हम इसको ये पिंक रंग लगा करके हम इसको एक बार में इसको लगा दे जाते हैं। तो ये जो ढक्कन बनाए हैं हम, इसमें मक्खन के यहां पे कुछ हम निकाल देंगे, यहां पे हल्का सा मक्खन यहां पे लगा हुआ है ना, निकाल देंगे यहाँ पे, मक्खन नहीं भरेंगे, हल्का सा मक्खन का एक आध जो टुकड़ा लगा हुआ है ना वो लगाएंगे। वेलकम पिंटर साहब। कब से स्टार्ट करेंगे डेट बता दीजिए, हम 10 तारीख के पहले पहले स्टार्ट हम कर देंगे, ओके। 10 से पहले पहले हमारे एक आध जो पेड क्लास है ना वो कंप्लीट होने वाला है,
रेड कौन सा लिया है पिंक में? ये हम जो रंग बनाए हैं ना, आपको बता रहे हैं, अभी एक इम्पोर्टेंट बात है बता रहे हैं सुरेंद्र पेंटर के लिए, ठीक है? ये क्या है? स्टेनर है, ठीक है? आप पेंटर साहब, इस स्टेनर का इस्तेमाल आप एनेमल पेंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है? एनेमल पेंट पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन लाइट कलर लगाने के लिए, जो आप जो लाल कलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीओ रेड, सिग्नल रेड है ना, अगर आपको ज्यादा पिंक अगर आपको दिखाना है, तो ये स्टेनर आप उसमें थोड़ा सा लाइट कलर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आता है रंग। ओके, ये ऐसा है कि वाटर कलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्रिलिक वाला में भी और एनेमल में भी, और हम यहाँ पे इसमें भी हमने इस्तेमाल किया है ये वाला लाइट बनाने के लिए, ठीक है? ये इसी को, हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग को ज्ञान हमसे जितना चाहे मिल जाए, है ना। अब हम लेते हैं बर्मिलियन रेड, ये हमारे पास में आ गया बर्मिलियन रेड, ये हमने लिया ये। ओके, स्कारलेट रेड भी आप ले सकते हैं। सर, ऑयल कलर में ऑप्शन बताएं। ऑयल कलर में ऑप्शन, ऑयल में ऑयल ही आता है, इसमें क्या ऑप्शन है बताइए? रंग चेंज करने के लिए आप इस कलर का इसमें भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे सूखा ब्रश लेकर के, ओके ना, एक हम एक इसका ये पॉइंट हमने ये पकड़ लिया, ठीक है? यहां भी इसका हम ये पॉइंट हमने पकड़ लिया, ठीक है? अब हम यहां से इसको लेकर के यहां पे, ओके, आएंगे। सर, पिंक कैसे बनाए? आप व्हाइट के अंदर में ये रंग आप डालेंगे तो ये वाला पिंक और पिंक से ज्यादा अच्छा होता है। ये जो फ्लावर भी है ना, इसको भी अगर ढंग से बनाया जाए तो इसमें भी बनाने में काफी टाइम लगेगा, अगर रियलिस्टिक बनाया जाए तो। हल्के हल्के हाथ से ये, अभी हम लाइट पेंट ही लगा रहे हैं, ज्यादा डार्क नहीं लगा रहे हैं। अब हम लेते हैं इसका, यहां से हमने डार्क है ये लिया ना, अब यहां से अभी थोड़ा सा डार्क करते हैं। ओके, डार्क करके इसको हम थोड़ा सा मिक्स हम करेंगे। ओके, ये मिक्स करना है, ठीक है? ये वाला थोड़ा सा जूम करके आप लोग को ऐसे, हाँ ये ठीक है, अब परफेक्ट है। इस फूल को फाइनल हम कर ही देते हैं, टाइम है अभी, है ना, हो जाएगा फाइनली।
यहां से मैंने लिया डार्क, सर 10 जनवरी से हमारे बेटे का एग्ज़ाम है सर, 20 थे स्टार्ट करें बांसुरी वाला क्लास, अब बताइए हमें तो अपना टाइम देखना है ना, बताइए। बट वीडियो तो आपको मिलेगा एक साल के लिए, आप अपनी सुविधा मत देखिए है ना, वो क्योंकि आप अकेले स्टूडेंट हैं। ये तो वही बातें हो गई, बचपन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा ओके। ये थोड़ा सा हंसी मजाक चाहिए जिंदगी में। छोटा एक बच्चा ट्यूशन पढ़ने आया, और आपको याद होगा कि पहले के टाइम में बच्चे लोग नीचे बैठ के पढ़ते थे, मास्टर जी बैठते थे कुर्सी पे है ना, और बच्चे होते थे वो नीचे बैठते थे। तो एक बच्चा आया लगभग मैं 6-7 साल का, दादा के साथ कि ट्यूशन पढ़ना है, यहां पे भी हम डार्क लगाएंगे, तो बच्चा आते के साथ नीचे बैठने से पहले वो देख रहा है ओके कि मास्टर जी तो ऊपर बैठे हैं है ना, वो बोला कि ना हम ऊपर बैठेंगे कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी में जब तक नहीं बैठाओगे हम नहीं पढ़ेंगे। मास्टर जी बोल रहे हैं कि अरे और भी बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं नीचे, तो ना ना हम तो नीचे नहीं बैठेंगे, हम तो ऊपर बैठेंगे कुर्सी पे बैठेंगे, हम जो कहते हैं हमने बात मानिए तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। अब मास्टर जी भी देख रहे हैं कि छोटा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, अच्छा चलो आ जाओ चलो बैठ जाओ, मास्टर जी को नीचे बैठा ही दिया वो। मिरर वाला भी हम जनवरी में ही शुरू करेंगे ओके, अभी हम एक मिरर वाला भी हम लेकर आए हैं रिलीफ में, रिलीफ में जो हमने फ्लावर बनाए हैं ना, वो फ्लावर की जो टेक्निक है सिर्फ हमारे पास है, रिलीफ में वो टेक्निक और किसी के पास नहीं है ठीक है, वो सिर्फ हमारे पास है। तो जिनको सीखना है ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो नीलू जी आप माइंड मत कीजिएगा ओके, ये हम स्टोरी आपको बताए हैं। तो यानी वही कहने का मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं कि 20 तारीख से आप स्टार्ट कीजिए है ना, बट हमें अपना टाइम देखना होता है कि हमारे लिए बेहतर टाइम क्या है, इसीलिए तो आप लोग से मिनिमम हम फीस हम लेते हैं, ज्यादा लेते नहीं है। हाँ अगर ज्यादा फीस अगर वो देते हैं तो आपका टाइम पे ही हम आ जाएंगे लाइव, बताइए। अगर अलग से अगर ये क्लास लेते हैं प्राइवेट वाला तो बताइए आपका टाइम चलेगा। लेकिन उसके लिए फीस है ना, ज्यादा आपको खर्च करने पड़ेंगे। और इतना हम आपको बोलते हैं कि वो फीस का नाम सुनते ही आप बोलेंगे ना ना सर हम ग्रुप में सीखेंगे, सर हम ग्रुप में ही हम ठीक हैं।
मिली नाग जी बोल रहे हैं कि क्ले बनाने का वीडियो डाल दीजिए। ओके ओके नहीं नहीं वो ठीक है ठीक है, हम वैसे ही हम बोल रहे हैं। अरे नीलू जी एक आप ही ऐसी है ना जो लाइव में इतने कमेंट आप करते हैं ना, ऐसा हमारा लाइव पे आप ही के मैसेज से हमारा लाइव यानी आगे बढ़ता है। ओके रीच पहुंचता है। आपको बोल रहे हैं कि अभी के डेट में हमारा लाइव जो रीचिंग पावर है ना मिलियन में जा रहा है। हाँ जी मिरर वाला में मार्बल पाउडर से ही करेंगे लेकिन अद्भुत वाला काम होगा। अब इसको हम थोड़ा सा अब फाइनल करके ही हम हटेंगे भैया। इस फूल को हम फाइनल हटा करके ही हटेंगे। हाँ। सर फीस क्या है मिरर वाले का? मनिंदर मोना जी आप यहाँ पे हमारे स्टूडेंट हैं वो लिख दे दीजिए अगर। चलिए हम ही लिख देते हैं, मिरर रिलीफ नहीं लुकिंग मिरर, लुकिंग मिरर मिरर ये फ्रेम रिलीफ आर्ट फीस वो क्योंकि ये अलग टेक्निक है इसलिए फीस भी अच्छे खासे आपको चुकाना ये पड़ेगा। ये लीजिए ठीक है मैंने डाल दिया। ओके तो ये हमारा है फीस। तो चलिए हम इसको पहले फाइनल हम करते हैं फिर आपसे बात। यहाँ पे डार्क आएगा थोड़ा, यहाँ भी हमारा कोई भी क्लास विथ मटेरियल नहीं है। ओके आप बोलेंगे कि सर जी विथ मटेरियल क्लास लेकर आ जाइए तो ये हमारे बस का नहीं है। इसलिए बस का नहीं है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि हम आपको बोले क्या कि मटेरियल सिर्फ हमारे पास मिलेगा है ना, और ये मटेरियल आपको हमसे ही लेना है। तो इसलिए हम मटेरियल का झंझट नहीं रखते। अगर आपको चाहिए मटेरियल तो हम आपको प्रोवाइड आपको करवा देंगे। ओके अब हम आपको बोल दें कि मटेरियल भी आपको हमसे ही लेना है और उसमें भी हम 1000 एक्स्ट्रा हम लेकर हम अगर चलते हैं तो उसमें भी हमारा इनकम है बेनिफिट है ना। अगर हम ऐसा अगर लेकर चले तो आपको बोले कि नहीं आप जो मार्बल पाउडर लेंगे वो सही नहीं है हमसे लेंगे वो सही है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं ना कि वो मार्बल पाउडर हमारे पास ही आपको मिलेगा सबसे अच्छा। तो आप लोग को यही लगेगा कि अरे हाँ हो सकता है। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है और कोई बात नहीं है और यहां पे हम आप लोग को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते हैं। ओके वो इसलिए क्योंकि आप लोग आर्ट के क्षेत्र में है, अगर आपको जानकारी रहेगा तो ही आप इन फ्यूचर में ऐसा आर्ट फिर से करने के लिए मटेरियल अपने आप इंतजाम कर लेंगे है ना।
सर विल बी प्रोवाइड मार्बल पाउडर टू अस, हमें क्या मार्बल पाउडर आप प्रोवाइड करवा देंगे? बिल्कुल करवा देंगे, बट आपको बता रहे हैं कि ये कोरियर चार्ज ज्यादा लग जाता है, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये ऐसे लगता है। ओके 80 रुपये तो लगता ही लगता है, तो वहां पे आपका ज्यादा नुकसान हो जाता है कि 80 रुपये ज्यादा। और वैसे मार्बल पाउडर हम हमारा रेट है ओनली 25 रुपये पर केजी, हमारा रेट ज्यादा नहीं है। वो क्योंकि मार्बल पाउडर इससे भी सस्ता में आता है। ओके हाउ मच यू विल बी चार्ज? वंदना बच्चों जी, मैंने आपको बता तो दिया ना, अगर आपको हमसे लेना है तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको अकाउंट डिटेल देंगे, पेमेंट भेज देंगे, उसके अगले एक दो दिन में आपके यहां से मटेरियल डिस्पैच हो जाएंगे। यानी अगर आज अगर ये पेमेंट करते हैं तो कल या परसों तक डिस्पैच 100% हो जाएगा, वो क्योंकि मटेरियल हम इकट्ठे कुरियर वाले को बोलते हैं ना, तो आके वो ले जाता है। अब उसको बोल दे कि एक पैकेट है भैया आके वो ले जाओ, तो नहीं आएगा। ओके 4-5 पैकेट होता है ना। सर आई हैव ए डाउट। अच्छा आपको ये डाउट है तो आप डाउट की पहले क्लियर कर लीजिए। यहां पे हम डार कभी लगाएंगे, अब हम इसको फाइनल करके ही हटेंगे, फूल को बना के ही हटेंगे। डाउट पहले क्लियर कर लीजिए, वो क्योंकि रिलीफ पेंटिंग का जो वो टेक्निक है ना फूल वाला, वो सिर्फ हमारे पास है। ओके और किसी के पास नहीं है। अक्सर होता है क्या रिलीफ पेंटिंग में जो आप फूल बनाते हैं ना, वो एक काल्पनिक फूल होता है, कल्पना से बनाया हुआ होता है। ओके हमसे भी लोग बोलते हैं अरे भाई इसमें यार कौन सा फूल बनाए हो, हम लोग बस फूल है यार, बस मान लो कि ये फूल है। लेकिन हम जिस टेक्निक से अभी जो हम सिखाने वाले हैं, रियल फूल वो लगेगा कि ये अगर गुलाब का है तो गुलाब का ही लगेगा, और वो भी इम्बोज है। आपका डाउट क्या है पहले बताइए ना, आपके क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन आप किए होंगे ना वो नीचे की तरफ में चला गया वो। ओके फिर से लिखिए, अगर इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन हो ना तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना है क्या, कि ये क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले। मिरर एंड फ्लावर वाली क्लास अलग अलग है क्या? नहीं एक ही है, वही है, उसी में हम लुकिंग मिरर का जो फ्रेम बनाना सिखा रहे हैं। ओके उसी में वही वाला है वो, तो उसमें टाइप करके अगर रखते हैं ना, और आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए चाहिए, ओके ना, तो टाइप करके उसको कॉपी कर लीजिए। ओके जब तक अगला आदमी आंसर नहीं देता है उसको कॉपी पेस्ट उसको करते रहिए। ओके तो जब आपके कमेंट बार बार आने लग जाएंगे तो हम हो जाएंगे सतर्क। मार्बल पाउडर और सेरेमिक पाउडर दोनों अलग हैं, बट आप ऑनलाइन में अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें कहीं पे मार्बल पाउडर आ जाएगा, कहीं ये आपका ये आ जाएगा सेरेमिक पाउडर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सेरेमिक पाउडर अगर अगर आप सर्च करते हैं तो मार्बल पाउडर भी लिखा हुआ आएगा, बट होते अलग हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो ऑनलाइन में जाइए और एक बार लिख के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ओके
यहाँ भी डार्क आ जाएगा। विच ऑन इज द बेस्ट, ये आपके आर्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कौन सबसे बेहतरीन काम करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ज्यादातर यूज करता हूं मार्बल पाउडर, वो क्योंकि मार्बल पाउडर आता है सस्ता। ओके, यहां भी हमने लगा दिया डार्क। वेलकम सोनल जी, मिली नाग जी बोल रहे सर क्ले जल्दी हार्ड हो जा रहा है, उसमें आप थोड़ा सा फेविकोल ज्यादा मिक्स कीजिए। ओके, अच्छा नहीं मिली जी बताइए कौन सा क्ले पहले बना रही है, पहले बताइए ये जानना जरूरी है ना। ये पहले बताइए कि कौन सा क्ले बना रहे हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से ढंग से। ओके, अभी ये फूल है ना बड़ी सुंदर बनने वाला है। ओके, इधर भी हम मिक्स। गुड नाइट, गुड नाइट, जिनको जिनको नींद आ रहा है ना जल्दी जाके गुड नाइट बोल के जा सकते हैं। ओके, बट नीला पटेल को अभी नींद नहीं आएगी, इसलिए नींद नहीं आएगी वो क्योंकि ये अभी यूएसए में है और वहां दिन है ना। अच्छा मिली नाग को यू आर नॉट पेंटर आर्ट यू आर ए मैजिशियन, अभी फूल एकदम रियल लग रहा है। ओके ओके, नहीं अभी अभी ये फूल है ना अभी और सुंदर बनेगा। ओके, अभी ये जो जहां पे ये ज्यादा आया है ना ये इसको भी हम ये इस कलर से भी इसको हम दबाएंगे। ओके, दबाएंगे इसको भी रियल में बनाना है अभी। ओके, ये देखेंगे अभी ये रियल में लगेगा कि रियल में लगा हुआ है। अच्छा ये आपको व्हाइट सीमेंट दे दिए, अच्छा तो ये तो गड़बड़ वाला बात हो गया। और आपको बता रहा है कि व्हाइट सीमेंट है ना आप पानी में डालते हैं ना तो इसकी एक टाइमिंग होती है। ओके, उस टाइमिंग पे वो अपने आप जमना वो शुरू करता है। व्हाइट सीमेंट हो गया, बिरला पुट्टी हो गया, पीओपी हो गया, ये जो बनता है ना केमिकल इसमें मिक्स किया जाता है और वो केमिकल ऐसा होता है जो पानी के साथ में रिएक्शन करता है। ओके, हाँ धोनी जी बोल रही हैं कि ये ऑनलाइन परचेजिंग में होता है बट आपने शायद हमसे लिया है। ओके, तो आपके साथ में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी है ना। तो ये पानी के साथ में रिएक्शन करके वो जमना स्टार्ट कर देता है। ओके, और जब एक बार जब वो जम गया ना वो जमा ही रहेगा। ओके, उसको आप गीला नहीं कर सकते हैं। अभी ये जो हम बना रहे हैं ना अब इसमें रियल में भी आने वाला है, अभी एकदम रियल में ये बातें आने वाली है। अभी अभी आप लोग 10 मिनट और देख लीजिए। ओके,
इसको मिक्स हमने किया इधर से भी। अब हम करते हैं, अब जो हमने जो ये पेंट हम लगाए थे ना पिंक वाला, इसमें और व्हाइट मिक्स करके हम इसको डार्क नहीं लाइट करेंगे और। ओके, तो इसके लिए हम एक बार आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये पिंक है, यही था ना, ये पिंक है और ये हमारा पे व्हाइट है। ओके, ये व्हाइट है तो हम यहीं पे इस रंग को लगा देते हैं, यहीं पे। ये लीजिए, अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, ये वाले को वेलकम शारदा जी। ये लाइट अब हम ले रहे हैं, अब ये इसमें और चार चांद लगाने वाला है। ओके, ये यहां तक आ जाएगा, ये इसको भी हम यहां से लेते हैं, ये हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे आपको लाइन आपको ये खींचना है। ये वाटर कलर होता ना तो एक बार में ऐसे हम लाइन दे देते हैं। ओके, बट ये ऑयल कलर है, इसमें एक बार में मुश्किल होता है खींचना। ओके, ये देखिए ये ऊपर तक जाएगा, यहां तक ये आ गया। सर उपाय बताइए मिली जी, आपको ऐसा मार्बल पाउडर मिली है, वो मार्बल पाउडर नहीं है। ओके, तो उसका उपाय ही नहीं है। आप तो नोएडा में रहती है ना, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए तो हम आपको जो दिल्ली का एड्रेस है हम आपको बता देते हैं, मंगवा लीजिएगा। अब यहाँ पे भी हम लाइट कलर हम देंगे। ओके, ये थोड़ा सा और हम लगाएंगे। बताइए आप लोग इतनी रात को हमारे लाइव देख रहे हैं, पेंटिंग बनते हुए एक अद्भुत बात है। यहां भी आएगा हल्का हल्का हाथ से, यहां भी आ जाएगा एक। अब ये व्हाइट लगने से इसमें एक जान आ गया ना, लेकिन ये जो साइड में भी है ना जो रंग जो बिखरा हुआ है, हम ये डार्क रंग लगाएंगे इधर साइड में। ओके, तो ये और सुंदर लगेगा। ठीक, अब हम इसको यहां से भी लेते हैं एक लाइन। ये देखिए, ये इसमें मिसिंग थी। ओके, हाँ हमारे क्लास में ऐसा बात नहीं कि लाइव में ये हल्का फुल्का इंटरटेनमेंट हो जाता है, और कोई बात नहीं है। बाकी अगर आप हमारा ये वैसे भी अगर क्लास ये ज्वाइन करते हैं ना, तो अगर डाउट हो तो आप डायरेक्ट हमको कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो नए लोग जुड़े हैं ना, वो कृपया करके एक बार वीडियो को शेयर वो जरूर करेंगे। ये अब यहां पे भी हम लाइट हम लगा रहे हैं, अब देखेंगे कि ये और ये, लेकिन अभी इसमें काम अभी है, अभी इसके अंदर में काम है अभी। ये तो अभी आप ये चीज देखे हैं ना, अभी ये अभी इसके अंदर में काम बाकी है। ओके, इसके अंदर में काम बाकी है अभी। अगर हम इस फूल को चाहते तो फटाफट भी मार के हटा देते हैं ना। थैंक यू धोनी जी, आपने हमें
गिफ्ट दिए हैं, इसको डिजिटल गिफ्ट बोलते हैं। ओके ये हमने यहां से ये लाइन हमने ले लिया। अब यहां पे ये फालतू है ओके, तो ये वाला बैकग्राउंड वाला रंग है ना हम यहां पे लगा देंगे। ओके यहां भी हम हल्का सा यहां पे लगा देते हैं। अब हम आते हैं इधर साइड में, कर दिया शेयर, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आते हैं इधर साइड में ओके, तो इधर साइड के लिए हम ये ऊपर से एक लाइन हम लेते हैं यहां से, वो बीच वाले के लिए ये। अब ये लाइन करने से जो हमारा जो अनबैलेंस लाइन जा रहा था वो भी हम ठीक कर रहे हैं साथ के साथ। ओके फिर हम इसको यहां से लेकर के मीनाक्षी कावा जी भी स्टार हमको दिए हैं, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टार मिलने से पता है उस पेज को एक रैंक मिलता है, फेसबुक वाले उसको ज्यादा तजब्बो देते हैं, वो क्योंकि स्टार से फेसबुक वाले को इनकम होता है, वो क्योंकि आपने फीस देकर के पैसे लगाकर स्टार लिए है ना। और यूट्यूब में भी ऐसा है, अगर ऐसे चैनल पे अगर आप देखते हैं जो अच्छा खासा चैनल है यूट्यूब पे भी है, उसमें स्टिकर आप जो लेकर के वो किसी को देते हैं ना उसमें भी ये ऑप्शन है। ये देखिए ये लगाने से वो बातें आ गई इसमें। इधर हम आते हैं, ये पूर्णिमा जी भी स्टार दिए हैं, क्या बात है, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, अगर ऐसे ही अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे ना तो आपको बता रहे हैं कि 1.5 साल के बाद आपको अच्छा रिजल्ट आपको हम देंगे। ओके और रिजल्ट ऐसा होगा कि हम आर्ट को घर घर तक पहुंचा देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इनका जितने भी आर्ट है टोटली ज्वाइन कर ले। और ये भी नहीं कि उसके लिए ज्यादा आपको भुगतान आपको करने की आपको जरूरत है, अभी जितना भुगतान कर रहे हैं ना आप सोच भी नहीं सकते हैं आने वाले टाइम में, बस आप लोग बस उस दिन का इंतजार कीजिए ओके, कि हम ऐसा कुछ लेकर आएंगे ठीक है। और वो भी ईमानदारी तरीके से ओके, हमारे पिताजी थे वो एक बात कहा करते थे कि अगर हमें किसी ने एक कप अगर चाय अगर पिलाया है ना
तो हमें याद रहता है कि इस बंदा ने हमें ये एक कप हमें चाय पिलाया है, वो चाय रिटर्न हम कैसे करें। ओके इतना वो ईमानदार थे। हाँ कि जिंदगी में कोई भी काम करो ईमानदारी से आगे बढ़ोगे। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो भूल ही गए, हमारा ध्यान बनाने पे था। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम इसकी जो आउटलाइन है ना उसको हम दुरुस्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको दुरुस्त हम करेंगे ना तब जाके इसमें वो मजा वाली बातें आएगी। तो हम इसको पहले ठीक करते हैं, कहाँ पे ये अभी एक और चीज हम इसमें बताने वाले हैं। कहने का मतलब है कि इसके अंदर में अभी ये फाइनल नहीं है, अभी ये बाहर का हम आउटलाइन कर रहे हैं ना, उसके बाद अभी इसमें मेन चीज बताना बाकी है, तो उसके लिए आपको 5 मिनट इंतजार करना रहेगा। तो ये हम के आउटलाइन पे भी हम थोड़ा सा डार्क लाइन दे ही देते हैं। ओके यहां पे ये वाला लाइन थोड़ा सा मुझे ये मिटाना है, ठीक है, ये जो रफ लग रहा था ना अब ये पूनम सिंह जी बोल रही है कि कौन सा कलर है, आप इतने दिनों से इस वीडियो को देख रही हैं, आपको जानकारी हो जानी चाहिए थी कि हम ये इस पे कौन सा रंग लगा रहे हैं। अगर आप वही ये पूनम जी हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑयल कलर है। और बाकी जो हम इसके साइड में जो जो रंग लगाना है ना, हम ये बैकग्राउंड वाला रंग लगा रहे हैं। ओके ये जो बैकग्राउंड है ना ये वाला रंग हम लगा रहे हैं। यहां भी यहां पे हल्का सा गैप आएगा, अब इससे क्या हुआ कि इसकी जो बनावट है ना अब उसमें वो बातें आ गई। ये इधर भी ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया ना पेंट हमारा ज्यादा आ गया, तो हम क्या करते हैं इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं। ओके आपको जूम मैंने कर दिया है ना तो वो ज्यादा और नजदीक से दिखाई दे रहा है। हाँ जी बैकग्राउंड वाला ही है, ये इसको भी हम थोड़ा ठीक है। अब इसके जो है ना वो जो क्या बोलते हैं जो है
ये सब इसका पॉइंट है ना वो हम दे रहे हैं। अच्छा वंदना जी 99 स्टार दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे एक और हम लाइन दे देते हैं इसको सुंदर करने के लिए। अभी ये आउटलाइन करने के बाद अभी आप लोग को एक मिनट इधर आप आते हैं, इसको लेते हैं ये अभी। ये जो मैंने इम्बोज मैंने किया था ना वो कहीं से ज्यादा हो गया कम हो गया है ना, तो उसी को कवर हम इससे कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसे अगर होता है ना तो आप इसको इस ढंग से उसको ठीक कर सकते हैं, घबराने वाला बात नहीं है। इधर भी हम लगा ही दे देते हैं। ये इसको हम थोड़ा यहां से ले लेते हैं, ये देखिए इसको हमने काट के हटा दिया है ना। अब जो शेप जो गड़बड़ाया हुआ था वो शेप हमारा ठीक हो गया है। तो आप ऐसे अगर आपकी ये पेंटिंग में अगर दिक्कत हो ना तो आप ऐसे ढंग से उसको ठीक कर सकते हैं। नीचे भी हम लगा ही देते हैं। ओके तो ये हमारा पेंट लग गया। ओके अब यहां पे अब ये लाइन ना दिखे उसके लिए आपको करना है क्या, ये जो अभी हमने जो ये किए है ना, थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आप लोग के लिए जूम कर देते हैं, हमें ज्यादा ना दिखे आपको ज्यादा दिखना चाहिए। अब हम इसको मिक्स हम करते हैं। ओके ये ओके इसको हम मिक्स करते हैं। तो अगर सुंदर काम अगर करते हैं ना तो यही सब आपको देखना होता है। अब आते हैं मेन उस पे। ओके अब इसको ज्यादा उभार देने के लिए इस फूल को ये पंखुड़ी को ज्यादा उभार देने के लिए अब आपको करना है क्या कि ये जो लाल पेंट है ना, ये जो डार्क वाला है वो हमने लिया यहां पे एक डॉट हमने यहां पे लगाया, एक यहां पे लगाया और अभी इसको हम मिक्स भी करेंगे। सर पानी मिक्स किए क्या सर? नहीं नहीं पानी नहीं, ये हमारे पास में तारपीन तेल है उसको मैंने ब्रश को धोने के लिए रखे हैं। ऑयल कलर में पानी मिक्स नहीं होता है, नहीं ऑयल कलर को पानी से साफ नहीं करते हैं, तारपीन से साफ करते हैं, टारपिन ऑयल से ये लगाए। अब यहां पे इसके नीचे साइड में अब ज्यादा डार्क आपको देना है,
ये अच्छा स्टार और मिले हैं 75 स्टार पूनम जी दिए हैं, थैंक यू। यहाँ पे भी नीचे में हम दे रहे हैं ओके। अभी देखते जाइए कि क्या क्या इसमें अभी होने वाला है, ये ठीक यहां पे भी नीचे में हर जगह नहीं है, एक यहां पे हम दे रहे हैं, ये डायरेक्ट हम इस रंग को उठा करके ये देखिए ये उठा करके हम इसमें लगा रहे हैं। यहां आ गया ये नीचे साइड में, इधर भी और ये इधर भी ओके। अब यहां पे भी हम एक डार्क हम देते हैं, ओके यहां भी अब इसको हम यहां से थोड़ा और डार्क हम इसको लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि सूखा कपड़ा लेना है और इसमें ये पोंछ देना है, ये कपड़ा को हम मैंने ब्रश को पोंछ दिया बिल्कुल सूखा, ठीक है। अब हमने जो रंग लगाए थे ना, अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे थपथपा देना है ओके। ये कौन सा ब्रश है, जीरो नंबर ब्रश, ये देखेंगे ये जीरो ही है, ये है ना, ये जीरो नंबर ब्रश। आप एक नंबर के भी ब्रश से भी कर सकते हैं, डबल जो जीरो है उससे भी कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे ओके, तो इसको हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, ये मैंने मिक्स कर दिया। अभी अभी आप लोग बने रहिएगा, अभी इसमें और काम करना है, अभी इसमें हमारा दिल लग गया है ओके। इसको भी हम यहां पे ये देखिए एक साइड से मिक्स मैंने कर दिया और ये धीरे धीरे ये अब उभर के आने लग गया ओके। ये देखिए अब ये पंखुड़ी ऐसा लग रहा है कि रियल में है, ये जहां जहां डार्क हम लगाए हैं ना उसको थोड़ा सा मर्ज कर रहे हैं, जब रियलिस्टिक वर्क करते हैं ना तो उसमें कुछ ऐसा ही दिखाना पड़ता है ओके। अगर हमको अच्छे पैसे मिल जाए और काम मिल जाए कि इसको करना है, हम यही कोशिश करते हैं कुछ में हम 100% हम काम करें, 100% उसमें हम काम दे और करते भी हैं अगर अच्छे पैसे मिले तो। बट यहाँ पे लोग हैं कंजूस लोग हैं, ज्यादा आर्टिस्ट को देना नहीं चाहते हैं। ये अब यहां से भी थोड़ा सा यहां पे डार्क हम लगाएंगे, ये ओके ना, आप लोग को रुके हुए हैं बताइए, 12:15 बजा दिए हैं रुके रहिए आप लोग नहीं नहीं आप लोग पक्के वाले आर्ट लवर हैं, आप लोग को आठ है ना अपने आप को खींच के रखा हुआ है, यहाँ पे पकड़े हुए है कि जाऊं या ना जाऊं, नहीं थोड़ा सा और देख लूं है ना। आप लोग 2-4 मिनट और रुक जाइए ओके, उसके बाद हम इसको एनएफएम करेंगे।
ओके अब हम लेते हैं व्हाइट, ठीक है ना। नहीं व्हाइट व्हाइट नहीं, वही वो लाइट वाला पिंक, व्हाइट के साथ हमने जो जो पिंक हम किए थे ना, ये जो लाइन बनाने के लिए हम वही अब ले रहे हैं। ओके तो अब हम इसको यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ये देखिए अब लाइट लगने से अब वो रियलिस्टिक लुक अब आएगा ये। मोना यरला जी आप अपनी पेंटिंग कुछ आप भेजिएगा, हम देखना चाहेंगे। आप इतने बड़े आर्ट लवर हैं, जैसा भी आपने बनाया हो वो आप भेजिएगा, हमें देखने की इच्छा है। यहां भी हम लगा देते हैं, यहां पे सबके 12 बजा दिए। हाँ इसमें से कुछ लोग के मियाँ जी ये बोलते होंगे ये इसके जो सर है ना पगला गए हैं, रात को भी लाइव आते रहते, चैन नहीं है, है ना। ये हमने इधर लगाना है, इधर, और अब हम इसको कुल मिलाकर के हम इसमें छोड़ना नहीं चाहते कि इसमें कमी हो, है ना। इसमें आप ही लोग का दोष है, ओके। आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे ना, अब जैसे यहां पे अगर दो चार लोग ही होंगे ना हम वीडियो ऑफ कर देंगे। आप लोग देख रहे हैं तो हम भी लगे हुए हैं, नहीं देखेंगे तो हम भी ऑफ करके चले जाएंगे, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, यहां पर लाइट आएगा, ये मिक्स हमने कर दिया, ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि उठा हुआ है, एक एक जो कली है ना वो उभरा हुआ लग रहा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, इसको मिक्स हम करेंगे। यानी ये कमी है ना, छूटना नहीं चाहिए कमी। अभी जूम आउट करके आपको दिखाएंगे ना, ये आपको नजदीक से ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा दूर भी होने दीजिए, है ना। अभी इसमें अगर हम एक काम अगर करना चाहे ना तो इसमें आप एक घंटे और भी अगर काम अगर इसमें करने के लिए बोलते हैं तो इसमें हम काम कर सकते हैं, ओके। इसमें उतना काम है, अगर हम पूरा अगर डिटेल में जाए तो एक घंटा और इसमें हम लग के इसमें कर सकते हैं, इतना हम आपको बोल रहे हैं। थोड़ा सा इधर हम डार्क और लगा करके खत्म कर देते हैं, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है।
चलिए एंड कर देते हैं। ओके चलिए जूम आउट हो गया ना, ये देखिए अब रियल में फूल लग रहा है ना, बताइए। थोड़ा दूर हो लेते हैं, ये देखिए अभी इनकी डंडी हम बनाए नहीं हैं। ओके अभी एक चीज में रही गया, पता है क्या, यहाँ पे इसका थोड़ा सा यहाँ पे डार्क बढ़कर आएगा, इसकी जो है शेडिंग है ना वो हमने दिया नहीं, हम वो दे देंगे। ओके आप लोग के लाइव एंड होने के बाद 5 मिनट और हम मेहनत करते हैं, ओके वो हम दे देंगे, ओके या हम दे ही देते हैं। चलिए अब आप लोग रुकिए या मत रुकिए, है ना, हम देंगे, ओके ना। हाँ, वही तो हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग को रुकना है, रुक जाइए, नहीं रुकना है मत रुकिए, हम तो अब देंगे इसमें शेडो। ओके जो दिल में आया ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ डार्क हो जाएगा, यहाँ ये टोटली डार्क होगा यहाँ पे। अब देखिए ये डार्क लगने से अब वो बात आ गई इसमें, थोड़ा सा यहाँ भी आएगा, बस यहीं आएगा, ऊपर में नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर भी आ जाएगा और इधर भी आएगा, इसकी जो डाली आ रही है ना उधर भी हम देंगे। आप लोग जाइएगा नहीं, है ना, मानेंगे नहीं। हम फर्स्ट बार ऐसा लाइव में बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, है ना, नहीं तो हमेशा बोलते हैं आ जाइए लोग, है ना, फर्स्ट बार हम बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, नहीं तो लोगों को बुलाने के लिए हम आप लोग को बोलते हैं कि थोड़ा सा वीडियो हुआ शेयर कर दीजिए, लोग और लोग आ जाएंगे, है ना। ये भी होना चाहिए, है ना, ये भी होना चाहिए। अगर मैं ठीक है, ज्यादा इसमें और हम एडवांस वाला काम करने लग जाएंगे तो आप फिर कहेंगे कि सर जी पगला गए हैं ये। ये हमने रंग लगा दिया, अब हम जो है ना ये ब्रश हम लेते हैं, ये वाला सूखा ब्रश, ओके बिल्कुल सूखा ब्रश हमने लिया, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं क्योंकि ये गीला है तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगा, ये ओके ये
ओके। अब ये डालने से और ये उभर के आ गया, ये ठीक है ना। तो यही सब जो कमी है ना आप लोग को देखना होता है, बुद्धि लगाना होता है। अब ये लगने से इसमें वो बातें आ गई है। यहां भी हम थोड़ा सा इसको मिक्स हम करते हैं, ये अब यहां पे ये बड़ा वाला ब्रश है ना ये काम नहीं करेगा, तो छोटा ब्रश हम लेते हैं, छोटा से थोड़ा सा ये हम लगाते हैं। अभी गीला है तो ये मिक्स हो जा रहा है, फिर ये इसको बाद में अगर हम चाहें कि मिक्स करने के लिए तो मुश्किल बात हो जाएगी, इसलिए हम इसको अभी के अभी ये देखिए चलिए ये हो गया ना, अब इसमें ज्यादा नहीं करते हैं। ये देखिए है ना, अब ये फूल निखर के आ गया, हमारा ये देखिए कि हम इस पे बैठे हुए हैं, ये कम्बल लगा लिए हैं और देखेंगे कि ये हमारा ये ताम झाम रखा हुआ है, ओके ना। और ये कृष्ण जी इधर ये इंतजार कर रहे हैं कलरिंग का, सेम यही चीज है, बट ये अब ये वाटर कलर में होगा, पोस्टर कलर में होगा, ओके। इसमें हम पोस्टर कलर से करेंगे, ओके। इसमें स्टोन की कटिंग चल रही है, ओके ना, और इसमें कल से हम कलरिंग का काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये तो हमारा यहाँ तक पहुंच ही गया है, अब इसमें कल वाला काम हम क्या करेंगे, ऊपर में ये काम करेंगे, तब तक लास्ट में हमारा ये बच जाएगा इसको करने के लिए, ओके ना। तो ये हम लास्ट टाइम में करेंगे क्योंकि इसको सूखने में 2 दिन टाइम चाहिए, ओके। तो कोई बात नहीं, और फिर हम बाद में इसके ऊपर में मार्किंग से आउटलाइन भी करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं, ये लीजिए, ओके। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर।